हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुलगुले की रेसिपी। ये गुलगुले हैं जो गुड़ में बनाए हुए हैं, एंड इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है एक कटोरी लगभग आटा, गेहूं का आटा। और यहाँ पे हमने लिए हैं 4 केले। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है गुड़, एंड गुड़ को हमने चाकू की हेल्प से क्रश कर दिया है और आटे में डाल दिया है बारीक करके। फिर इसके बाद जो हमारे केले थे, हमने वो उनके छिलके निकाल के इसमें डाल दिए और इसको मसलना स्टार्ट कर दिया है बारीक बारीक, एंड धीरे धीरे करके इसे इसका पेस्ट जैसा बना देंगे। पहले मैंने 2 ऐड करे थे, फिर उसके बाद फिर ऊपर से 2 और डाल दिए, 4 हो गए, एंड ये इसका पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया था, एंड फिर ये तेल जब तक गरम हुआ, फिर तेल गरम हो चुका था तो गरम हो चुका था तो फिर इसमें हमने एक एक करके ये गुलगुले डालने स्टार्ट कर दिए। एंड ये देखिए, इसको थोड़ा चौड़ा करते हैं, पानी भी लिया था साथ में कटोरी पे, और उससे ना क्या करते हैं कि ये थोड़ा चिपकता सा नहीं है हाथ में, तो फिर इसमें डाल दिया था थोड़ा चौड़ा चौड़ा करके इसको। फिर ये हमारे गुलगुले जो हैं एक साइड से पक चुके थे, ये देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने चौड़े चौड़े थोड़ा करके ऐसे डालना स्टार्ट करा था। तो अब ये पक रहे हैं सिम आँच पे, मतलब सिम पे भी नहीं, थोड़ा मीडियम आँच पे रखा था, एकदम तेज़ आँच पे नहीं रखते हैं क्योंकि फिर ये बाहर से तो पक जाते हैं बट अंदर से बहुत कच्चे रह जाएंगे और बाहर से हार्ड हो जाएंगे। एंड ये हमारे गुलगुले जो हैं वो रेडी हो चुके थे। फिर यहाँ पे सारा तेल ये जो रहता है एक्स्ट्रा, इसको निकाल के एंड इसको हम रख देंगे प्लेट पे। ये बहुत सिंपल रेसिपी है, झटपट बन के रेडी हो जाती है। एंड ये हमारे गुड़ के गुलगुले रेडी हो चुके हैं। आप लोग भी ट्राई करिए, आप लोग भी बनाइए। चीनी में तो वैसे भी बनाते ही रहते हैं बट हमने यहाँ पे गुड़ के बनाए हैं इस बारी, और ज़्यादा गुड़ यूज़ नहीं कर रहा था। नीचे चुन्नू भी बैठ के देख रहा है, उसे लग रहा है कि पकौड़े बन रहे हैं क्योंकि उसके पकौड़े फेवरेट हैं, एंड उसे लग रहा था कि तेल में पकौड़े बन रहे हैं बट पकौड़े नहीं थे, ये गुलगुले थे। एंड गुलगुले उसको इतने पसंद नहीं है, वो मेनली खाता ही नहीं है, बट उसे पूरी पकौड़े ही पसंद है और उसे यही लगा कि पूरी या पकौड़े बन रहे हैं, और वो वेट कर रहा था नीचे बैठ के। तो ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।